सो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी की कहानी। मैं जा रहा हूँ नेपाल और सडन कल ही बना ट्रिप। नेपाल जाना सबसे ईजिएस्ट है इंडिया से। यही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपका पासपोर्ट भी नहीं लगता, हालांकि मैं पासपोर्ट लाया हूँ। आपका वोटर आईडी से भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना बोर्डिंग पास वगैरह, एयर इंडिया की फ्लाइट है, कल ही बुक करिए, बहुत सस्ती आ रही है अभी। आज 5th जून है। तो मैं खड़ा हूँ अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे, T3 टर्मिनल, और यहाँ से एयर इंडिया की फ़्लाइट है मेरी 12:40 पे, और यहाँ से मैं जाऊँगा काठमांडू। तो मुझे कुछ 5,200 की टिकट पड़ी है। अगर आपको इससे सस्ती और चाहिए या फिर डील्स में चाहिए तो नीचे मेरी लिंक है कंपनी की, उसका आप इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे DM कर देना। तो मैं बता देता हूँ, नेपाल जाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं चाहिए, टिकट चाहिए, कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है। और वोटर आईडी लेके भी आप आ सकते हो अगर पासपोर्ट आपका नहीं है तो, और पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लेके आ जाइए, बस यही चाहिए। तो जिस तरह से इंडिया में ट्रेवल करते हैं वैसा ही सीन है, बस वोटर आईडी लगती है, ना होटल बुकिंग, ना करेंसी का टेंशन है। करेंसी भी आप इंडियन ले जा सकते हो, वहाँ पे इंडियन करेंसी भी चलती है, वहाँ पे मैं एक्सचेंज करवा लूँगा। तो करेंसी भी ऐसा नहीं कि US डॉलर वगैरह ले जानी आपको। और नेपाल बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सारे मेरे ट्रेवलर्स जो थे फॉरेनर्स वगैरह, जब मैं श्रीलंका सीरीज पे गया था तो उनसे सुना, अपन कभी नहीं गए पास में तो जा रहे हैं, बढ़िया। और ये है दिल्ली का T3 टर्मिनल, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सो ये T3 टर्मिनल है, बहुत अच्छा है, ड्यूटी फ्री शॉप से बहुत मस्त है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे लाउंज वगैरह बहुत सारे स्पोर्ट्स का है। और सी तो ये जो T2 और T3 है ना, ये इंटरनेशनल टर्मिनल्स है, T3 नया है। देखो आप एक एक गेट में इतनी यहाँ पे डिस्टेंस है, बहुत बड़ा है। मैं चलता जा रहा हूँ, तो जब भी आप एयरपोर्ट पे आओ ना तो आप कम से कम 2 से 2.5 घंटे पहले जरूर आना इंटरनेशनल के लिए, क्योंकि आपको टाइम लगेगा यहाँ पे। और एक और आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आप नेपाल जा रहे हैं ना तो एयरलाइन में लेफ्ट हैंड वाली विंडो सीट करें, मतलब ए रो जो है ए वाली वो ही करें। उससे आपको क्या है ना, दिल्ली से जब जा रहे हैं आप तो उससे आपको जो माउंट एवरेस्ट है उसका बहुत बेहतरीन व्यू दिखेगा, अदर साइड से नहीं दिखेगा। लेफ्ट साइड में ए श्रेणी वाली जो रहती है अपने विंडो सीट्स, वो आप लें हर बार काठमांडू जब भी जा रहे हैं आप, तो बेहतरीन आपकी जर्नी कटेगी। मैंने सबसे लास्ट की सीट ली है, सेकंड लास्ट 29 है जान करके। तो देखते हैं, मजे आएंगे, बाकी बताते फिर। नेपाल की ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं, सडन कहीं ना कहीं जाना ही था तो बेहतरीन। तो ये अपना गेट नंबर 6 है, यहाँ पे लाइन लग चुकी है फ्लाइट के जाने की। और ये इधर देखो, ये फ्लाइट खड़ी हुई है, ठीक है, वो दिख रही है आपको फ्लाइट, ये अपनी एयर इंडिया की फ़्लाइट, इससे ट्रेवल करेंगे। तो ये ऐसे बोर्डिंग गेट्स रहते हैं, ठीक है, गेट नंबर 6 वगैरह ये है अपना, और यहाँ से अब चालू हो गई है। सो मैं आ गया हूँ फ्लाइट में, इसी विंडो सीट की बात कर रहा था, लेफ्ट साइड में आप लोगे तो माउंट एवरेस्ट के आपको व्यूज मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं वेदर कैसा रहता है। ताकि तरफ से आता फ्लाइट भरी हुई है, मतलब फुल है, तो मस्त है, मेरी सेकंड लास्ट सीट है, ठीक है। और इधर से व्यू कैसा आएगा बता दूँ, मस्त। एयर इंडिया की सबसे अच्छी बात ये है कि आप जब भी आ रहे हो ना आपको फूड हर फ्लाइट में मिलेगा। तो अभी मेरा फूड आ गया है, देखो, तो कुछ ये कस्टर्ड है, कर्ड है, ठीक है, छोले, और एक और अपना है रोटी। मैंने नॉनवेज ऑर्डर करा एग्स वगैरह का कुछ, तो सबको मिलेगा फ्लाइट। ये देखिए चावल, सब्जी, छोले, एक स्वीट और पराठे और दही, बहुत ही अच्छा खाना है, मतलब देखते हैं एंजॉय करते हैं। जो खाना मिला है ना बेहतरीन है यार भाई, मतलब छोले वगैरह और ये क्या लोगे यार, मस्त है, एयर इंडिया की यही अच्छी बात है। बाकी एयरलाइंस में आपको नहीं मिलेगा, एयर इंडिया का ही खाना बहुत अच्छा है नेपाल वाली फ्लाइट का। मैं रिकमेंड करूँगा कि एयर इंडिया बुक करो। यहाँ पे आप जब लेफ्ट साइड में बैठोगे और यहाँ से आप जब एंजॉय करोगे ना व्यू, तब आपको समझ में आएगा दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक दिख रहा है, बेहतरीन।
जिसका एक्सपीडिशन आसान नहीं है, बहुत कठिन है भाई, मर जाते हैं लोग, उसके ऊपर से अपन निकल रहे हैं। क्वाइट फैसिनेटिंग, वाओ। अब देखो भाई व्यू बेहतरीन, क्वाइट फैसिनेटिंग। तो ये अपन आ गए हैं बाहर नेपाल एयरपोर्ट के, काठमांडू। तो यहाँ पे ना जो पूछा है वो सर्टिफिकेट का ही बस, ठीक है, सर्टिफिकेट है तो बस, और बाकी आप वोटर आईडी लेके आ सकते हो। ये त्रिभुवन एयरपोर्ट है यहाँ पे, ये तो मैं यही सिम ले लेता हूँ, अभी बताता हूँ उसका कितना क्या पड़ती है प्राइसिंग, ठीक है। तो फाइनली अपना सब कुछ हो चुका है, मैंने सिम भी ले ली है यहाँ पे, वो पड़ी है मुझे 440 इंडियन रुपीज़ में, मतलब 700 NPR था नेपाली करेंसी में। तो 440 में 15 दिन का 20 GB मिला है, तो अच्छा है, 15 दिन का आपको मिला है, टॉक टाइम भी मिला उसमें 80 मिनट्स का, ठीक है। तब यहाँ से चलते हैं, मैं करेंसी का देख लेता हूँ, करेंसी का मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्या है, तो 500 वगैरह चेंज करवा लेते हैं, ठीक है। सो मुझे मिल गई है पथाओ ऐप से टैक्सी 140 नेपाली करेंसी में, और यहाँ से आप ले सकते हो, यहीं पर आप एग्जिट गेट बोल देना है एंड यहीं पे आपको टैक्सी मिल जाएगी। तो अब मैं जा रहा हूँ।